कश्मीर के डोडा से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। बस हादसे का शिकार हुई है, 35 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसको लेकर बयान दिया है। हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि घायलों को शिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाएगी। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी हादसे को लेकर दुख का इजहार किया है। तीन तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर हादसे की है जहां मौके पर शवों को निकालने का काम जारी है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बस से निकाले हुए शवों का किस तरह अंबार यहां पर लगा हुआ है। 35 के आसपास लोगों की जान गई है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तीसरी तस्वीर जहां जीएमसी डोडा में कुछ लोगों को इलाज के लिए रेफर किया गया है, कुछ लोगों का इलाज असर पीएचसी में जारी है। बेहद दर्दनाक हादसा आज के दिन ये पेश आया है। किश्तवाड़ से जम्मू की ओर ये बस जा रही थी जिस वक्त ये हादसे का शिकार हुई। नेशनल हाईवे से गहरी खाई में, नीचे 300 मीटर गहरी खाई में ये बस जा गिरी है। 35 लोगों की जान इसमें चली गई है। तो तस्वीरें सामने आई हैं पीएचसी से जहां लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। उन्हें आनंद फानन में पीएचसी और सीएचसी पहुंचाया जा रहा है जहां उनका इलाज हो रहा है। कुछ लोगों को जीएमसी डोडा रेफर किया गया है। जो लोग गंभीर हालत में जख्मी हैं उन्हें जीएमसी डोडा पहुंचाया गया है। मौके पर भी राहत बचाव कार्य जारी है। आम लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। कुछ बच्चे भी इस बस में सवार थे। दिवाली की छुट्टियों के बाद लोग अपने घर वापस जा रहे थे और ओवरलोडिंग खासतौर पर वजह इस हादसे की निकल कर आई है सामने। और इस हादसे की खबर लगते ही सोशल मीडिया एक्स पर दुखों का इजहार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहां राज्य रक्षा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुख का इजहार किया है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां अस्पताल में इलाज जारी है, उपचार किया जा रहा है घायलों का। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां शवों को निकालने का सिलसिला बस से अभी भी जारी है। 35 लोगों की इसमें जान चली गई है। नाक हादसा डोडा से आपको ये खबर दे रहे हैं। 35 से ज्यादा लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं घटनास्थल से। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां नेशनल हाईवे से 300 मीटर गहरी खाई में नीचे ये बस लुढ़क गई है। ओवरलोडिंग वजह बताई जा रही है, अपनी क्षमता से ज्यादा इस बस में लोगों को बिठाया गया था। इस वजह से अनियंत्रित होकर इस बस का लुढ़कना बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य यहां पर किया जा रहा है।
डीसी डोडा भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तीन तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। आज भाई दूज का मौका है और इस मौके पर बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया, इसको लेकर दुख का इजहार भी किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुख का इजहार किया है, वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है और ये जानकारी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है घायलों को अस्पताल पहुंचाने में। इसके इतर पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने भी इसको लेकर दुख जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे की जानकारी मिलते ही इसको लेकर दुख का इजहार किया है। 35 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है और ये आंकड़ा आपको बता दें कि बढ़ भी सकता है क्योंकि कुछ लोग क्रिटिकली भी इंजर्ड हैं। जीएमसी डोडा अभी लोगों को रेफर किया गया है। अभी जो जानकारी मिली है कि डोडा में अस्सर इलाके में बस के गिरने से 22 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 से ज्यादा घायल हैं, बड़ी दुखद घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरा उनको रेस्क्यू करने के लिए टीमें चली गई हैं और काम शुरू हो गया है। मैं सभी के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और जांच के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि क्या हुआ था, लेकिन वाकई में इस प्रकार की घटना होना अपने आप में बड़ा दुखदायी विषय। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बस दुर्घटना दुखद है, उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रत्येक मृतक के परिजन को PMNRF से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने फौरी राहत का भी ऐलान करते हुए कहा है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिवार वालों को और घायलों को 50,000 रुपए फौरी राहत के तौर पर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ये सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा की है, साथ ही इस हादसे को लेकर दुख भी जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बस दुर्घटना दुखद है, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, और वो आशा करते हैं कि जल्द ही जो लोग जख्मी हैं वो स्वस्थ हों।